हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से 10 नवंबर 2020 के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए उनके बारे में, जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस SI के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है और इसमें टॉप 40 क्वेश्चन लिए गए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन 1 पर बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रीमियर लीग PPL कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है इंदौर। इंदौर में विशिष्ट प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL हाल ही में शुरू की गई है। पिछले 4 साल में सबसे स्वच्छ शहर रहा है इंदौर, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्तों, यह 45 दिवसीय प्रतियोगिता है जिसमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को संदेश दिया जाएगा। बात आई है इंदौर की, तो चलिए आपको मैप में इंदौर के बारे में बता दें। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये जगह है इंदौर। इंदौर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में ही स्थित है। लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य आयोग और वित्त आयोग दोनों ही मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली जो महू है, यह भी इंदौर में ही है। सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी इंदौर में ही लागू की गई थी। तो दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हुई इंदौर के बारे में, आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट का अध्यक्ष चुना गया है। अब ये फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट क्या है, आपको इसके बारे में बता दें। जैसे कि दोस्तों, MPL है, पेटीएम वन है, ये जो गेमिंग साइट है उन्हें फैंटेसी स्पोर्ट कहा जाता है और इसी का अध्यक्ष हाल ही में बिमल जुल्का को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश से BECA समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है USA। USA से भारत ने हाल ही में BECA समझौता किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 2020 में माइक पोम्पियो जो USA के विदेश मंत्री थे और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ये समझौता किया गया है, जिसमें बहुत से करार किए गए हैं। सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, BECA का फुल फॉर्म होता है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट ऑफ जियोस्पेक्टिकल कॉरपोरेशन। दोस्तों, यह एग्रीमेंट भारत को बिल्कुल सटीक भू स्थितिक डाटा प्रदान करेगा। इसके अलावा इसकी मदद से हम सैन्य गतिविधि, मिसाइल कंट्रोल भी कर सकते हैं। अर्थसाइंस तकनीक के लिए भी ये MOU साइन किया गया है। परमाणु समझौते में इजाफा करने के लिए भी बहुत से MOU साइन किए गए हैं। आयुर्वेद और कैंसर रिसर्च में सहयोग के लिए भी यह समझौता किया गया है। तो दोस्तों, इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। अब बात आई है USA की, तो आपको मैप में USA के बारे में बता। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है USA। USA के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। राजधानी वॉशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बाइडन है। यहाँ की जो मुद्रा है वह डॉलर है। और अगर बात करें डेजर्ट यानी रेगिस्तानों की, तो ग्रेट बेसन, सोनोरन डेजर्ट और मोजेब डेजर्ट USA में है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ की झीलों की, तो सुपीरियर झील, हूरन झील, मिशिगन और ग्रेट सॉल्ट लेक USA में ही आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ये राज्य है केरल। केरल ने सब्जियों के न्यूनतम दाम तय किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, 1 नवंबर से यह योजना लागू की गई है। 16 सब्जियों के दाम तय किए गए हैं, जिसमें केला, लौकी, पत्ता गोभी, आलू, इनके दाम फिक्स किए गए हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। बात आई है केरल की, तो मैप में आपको केरल के बारे में बता। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे यह है केरल। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और यहाँ की राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। तो आपको इतना केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में अब जमीन खरीदने आसान हुआ है? दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब जमीन खरीदना आसान हुआ है। दोस्तों, हाल ही में अभी अभी उद्योग, मकान और दुकान के लिए जमीन खरीद सकते हैं। कृषि के लिए अभी वहां पर रोक लगाई गई है, यानी जम्मू कश्मीर में कृषि के लिए आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आर्टिकल 35A में संशोधन करके नए नियम लागू किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड में मध्य प्रदेश से चुना गया कौन सा जिला है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर। सागर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो नेशनल वाटर अवार्ड दिया जाता है वह सागर को दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों 2020 में सागर मध्य प्रदेश की तरफ से चुना जाने वाला इस अवार्ड के लिए एकमात्र जिला है। दोस्तों बात आई है सागर की, तो आपको मैप में सागर की बारे में बता दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है मध्य प्रदेश का मैप, उसमें ये जो मैप देख पा रहे होंगे ये सागर है। सागर की कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत का हृदय कहा जाता है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय जिसे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहते हैं 1945 में सागर में ही बसाया गया था। नापतौल प्रशिक्षण संस्थान और स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी सागर में ही की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य नौरादेही सागर में ही स्थित है। बीना तहसील में ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है। इसके अलावा एरन जहाँ पर सती का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है ये भी सागर में ही स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे सागर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हरिवंश राय बच्चन नामक चौराहा बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पोलैंड। पोलैंड में हरिवंश राय नामक चौराहा बनाया गया है। 2050 तक कौन सा देश शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा? तो इसका सही ऑप्शन है जापान। जापान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा, ऐसा वहां की संसद में कहा गया है। दोस्तों बात आई है जापान की, तो आपको मैप में बता दें, देखो आप देख पा रहे होंगे ये है जापान की लोकेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की जो राजधानी वह टोक्यो है, सम्राट नारुहितो है, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है जो हाल ही में बनाए गए हैं, और मुद्रा है जापानी येन। तो आपको इतना जापान के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रानी पद्मावती की मूर्ति या प्रतिमा लगाई गई है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रानी पद्मावती की प्रतिमा लगाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में यह प्रतिमा लगाई गई है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों मैप में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी भोपाल है, राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो भाजपा से हैं। विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 है, और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अब बात की जाए यहाँ के पुरस्कारों की, तो मध्य प्रदेश में कालिदास शिखर सम्मान, तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी और कुमार गंधर्व ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर बात की जाए उद्यान कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, तो बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव, पन्ना, पेच, सतपुड़ा और वन विहार ये मुख्य उद्यान है मध्य प्रदेश में। वहीं बात की जाए जलप्रपात की, तो चचाई, बहुती, धुआंधार, कपिलधारा और दुग्धधारा ये प्रमुख जलप्रपात हैं, और वर्गी, राजघाट, बाणसागर, तवा, गांधी सागर और वरना ये प्रमुख बांध है मध्य प्रदेश में। तो आपको इतना मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हुआ, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। आपको बता दें ये 2 बार सीएम रहे हैं, लेकिन दोनों बार ये अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री रहते पूरा नहीं कर पाए हैं। दोस्तों 92 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनो मैराथन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भोपाल में कैनो मैराथन का आयोजन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें 300 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। चलिए बात आई है भोपाल की, तो आपको मैप में भोपाल के बारे में बता दें। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है भोपाल जिला। भोपाल के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर चर्चा की जाए, तो मध्य प्रदेश का झीलों का और पहाड़ों का बसा शहर कहा जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व आपदा प्रबंधन प्रबंधन संस्थान वन विहार नेशनल पार्क आपको भोपाल में ही देखने को मिल जाएगा। 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL रेल की स्थापना की गई थी। देश का प्रथम मॉडल ब्लड बैंक भोपाल में ही बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है भोपाल में। चार्ल्स कोरिया के द्वारा भारत भवन की स्थापना भोपाल में ही की गई थी। प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में ही बनाई गई है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी 1885 में भोपाल में ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश एथलेटिक संघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अमानत खान। अमानत खान को मध्य प्रदेश एथलेटिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों ये अगले 4 वर्ष तक मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए सचिव की, तो इस एथलेटिक संघ का सचिव ए मुरलीधर को बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग सट्टे साइट पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेमिंग सट्टे पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, जैसे पेटीएम वन, अड्डा 52 और इसके अलावा एमपीएल, इन्हीं सब जो गेमिंग वेबसाइट है उनके पर प्रतिबंध लगाया है आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो मैप में आपको इसके बारे में बता, मैप में आप सबसे पहले लोकेशन देख लें, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। आपको एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, जो भाषाई आधार पर राज्य गठन किया गया था उसमें आंध्र प्रदेश पहला है। यहाँ की राजधानी अमरावती है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी हैं। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अगर बात की जाए नृत्य की, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मछली यहाँ की जो राष्ट्रीय सॉरी राजकीय मछली है वह गवस है। फूल की बात की जाए तो राजकीय फूल जो है वह जैस्मिनम है। फल मैग्नीफेरा इंडिका है। पेड़ कहा जाएगा राजकीय, तो नीम का पेड़ राजकीय पेड़ है। और यहाँ पर जो खेल है वह कबड्डी है, यानी आंध्र प्रदेश का राजकीय खेल कबड्डी है। ये इंग्लिश में दिया गया है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे तो आप पढ़ लें जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFFB 2020 में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थर्ड संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो दोस्तों इस सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति ओम पुरी हैं। ओम पुरी को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? वेयर हैज सुमंगल एंड स्कॉलरशिप वेब पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड? तो दोस्तों यह लॉन्च उड़ीसा में किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। छात्रों को आसानी से लाभ देने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। जबकि अगर बात की जाए सुमंगल पोर्टल की, तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए जो भी अगर अंतरजातीय विवाह करता है उनको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये सुमंगल योजना में कहा गया है। दोस्तों बात आई है उड़ीसा की, तो चलिए आपको मैप में सबसे पहले उड़ीसा की लोकेशन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है उड़ीसा, मध्य प्रदेश से थोड़े से पास में ही है। बात की जाए अगर यहाँ की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना की गई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। गवर्नर गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यसभा की कुल 10 और लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं उड़ीसा में। तो आपको इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना है। एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किस INS के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है INS कोरा। INS कोरा के द्वारा एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों आपको बता दें INS कोरा को 1998 में भारतीय नेवी में शामिल किया गया था। दोस्तों इसी की तर्ज पर INS किर्च, INS कुलिस, INS कर्मू को भी भारतीय नेवी में शामिल किया गया है। अब जैसे कि आपको पता है एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में INS कोरा के द्वारा किया गया है। इसके अलावा भारत में और भी मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया गया है, उनके नाम भी आपको बता दूं तो नाग मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका भी परीक्षण भी 2020 में किया जा चुका है और वो भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। स्मार्ट टॉपिडो सिस्टम, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। शौर मिसाइल का नया वर्जन, इसका भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। लेजर निर्देशित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा पृथ्वी 2 परीक्षण जिस जो 500 किलोमीटर की रेंज होगी, इसका भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट और मिसाइलों के मैंने नाम बताए, इन्हें भी याद रखना है, आपके एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आरोग्य वन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यह उद्घाटन गुजरात में किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए से 16 पार्कों का उद्घाटन किया गया है। सरदार जी की मूर्ति जहां पर बनी है वहां पर जंगली सफारी का उद्घाटन भी यहां पर किया गया है। इसके अलावा आरोग्य वन में 380 प्रजाति के 5 लाख औषधियां लगाई जाएंगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आरोग्य वन का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 मैचों में 1000 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ये खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल T20 मैचों में 1000 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कौन से वित्त आयोग ने 2021 और 22 से लेकर 2025 और 26 की रिपोर्ट तैयार की है? तो दोस्तों ये है 15वां, देश के 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की रिपोर्ट तैयार की है। दोस्तों इसके अध्यक्ष NK सिंह बनाए गए हैं। आपको एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, निर्मला
जो सीतारमण है, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वह पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला हैं। तो आपको इतना उनके बारे में भी याद रखना है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में जो 15वां वित्त आयोग के बारे में चर्चा की है उसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे सुशासित राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें है केरल। केरल देश के सुशासित राज्यों में सबसे पहले स्थान पर है। अगर बात की जाए सबसे आखिर में, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश सबसे आखिर में है। दोस्तों पब्लिक अफेयर इंडेक्स के द्वारा यह सुशासित राज्यों की लिस्ट जारी की गई है। 2020 में जारी की गई यह लिस्ट, केरल पहले स्थान पर है, और अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर मणिपुर है, और तीसरे स्थान पर असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलायंस एयर की सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये है हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह को अलायंस एयर का सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला किसी विमान कंपनी की सीईओ बनी है। दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, ऑल इंडिया एयर जो चेयरमैन है वह है राजीव बंसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन हाल ही में पेरिस में किया जा रहा है, और ये जो 2020 में इसका जो आयोजन किया जा रहा है यह 73वां आयोजन है। पहली बार यहाँ पर रेड कारपेट की जगह ब्लैक कारपेट बिछाई गई है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है पेरिस में हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर रेड की जगह ब्लैक कारपेट बिछाई गई है। और आपको याद रखना है कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पेरिस में किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है इस दिवस की शुरुआत 2014 से की गई थी। आपको एक और फैक्ट पता है कि जन्मदिन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में बनाई गई है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। दोस्तों यहीं पर हाल ही में, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं, आरोग्य वन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने जी ने किया है। और आपको बता दें इस स्टैचू के जो निर्माता हैं वह राम सुतार हैं। तो इतना आपको इस स्टैचू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता दिवस के बारे में याद रखना है। टाइफून मोलेव का हाल ही में किस देश से प्रभावित हुआ है? दोस्तों यह है वियतनाम। वियतनाम टाइफून मोलेव से प्रभावित होने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि थरूर द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों आपको बता दें शशि थरूर के द्वारा ये सभी पुस्तकें लिखी गई, यानी द बैटल ऑफ बिलीविंग इनकी ये लेटेस्ट पुस्तक है। इसके अलावा वाई आई एम हिंदू ये भी शशि थरूर की ही पुस्तक है, और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये भी शशि थरूर की ही पुस्तक है। तो आपको इन तीनों पुस्तकों के बारे में याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश द्वारा हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह है पन्ना टाइगर उद्यान, यानी पन्ना उद्यान को मध्य प्रदेश के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 है, और यह मध्य प्रदेश से सिलेक्ट होने वाला बायोस्फीयर रिजर्व थर्ड है, यानी इससे पहले दो और बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हैं। इसमें पहला है पचमणी और दूसरा है अमरकंटक। दोस्तों इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, पन्ना टाइगर रिजर्व यह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है, और मध्य प्रदेश का थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सोलर मिनिएचर ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो दोस्तों यह ट्रेन केरल में चलाई गई है। आपको जैसा कि ऊपर मैंने केरल के बारे में बताई दिया है, और देश की पहली सोलर मिनिएचर ट्रेन भी केरल में ही चलाई गई है। यह सोलर पावर से चलती है। यह 60 लाख की लागत से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश प्रसाद ने निधन हुआ ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, सबसे कम समय तक बिहार के सीएम रहे हैं सतीश प्रसाद, यानी कुल 5 दिन तक बिहार के सीएम रहे सतीश प्रसाद का हाल ही में 87 वर्ष 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। दोस्तों बात आई है बिहार की, तो आपको मैप में बिहार के बारे में बता दें, ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे ये है बिहार। बिहार की जो स्थापना हुआ है 26 जनवरी 1950 में की गई थी।
राजधानी पटना है, राज्यपाल यहाँ के फागू चौहान हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू से हैं, यहाँ का जो राजकीय गीत है वह मेरे भारत का कंठ है, स्तनपाई जो है यहाँ का गौरैया मिथुन है, यहाँ का जो बर्ड हाउस है यानी राजकीय जो पक्षी है वह गौरैया है, यहाँ का जो फूल है वह कचनार है, बिहार का राजकीय फल आम है, अगर वृक्ष की बात की जाए तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो ये इंग्लिश में आप पढ़ पा रहे होंगे, तो इतना आपको बिहार के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट से सभी प्रारूप से संन्यास लेने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो यह है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ने हाल ही में क्रिकेटों के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है। दोस्तों इन्होंने संन्यास तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2016 में ले लिया था, लेकिन ये विदेशी लीगों में खेलते थे। अब इन्होंने इससे भी संन्यास ले लिया है, यानी पूर्णतः से क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं शेन वॉटसन। दोस्तों इन्होंने 59 मैच, 190 वनडे और 58 T20 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले हैं और ये बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा एजुथाचन पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों यह अवार्ड केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है और इस बार यह अवार्ड पॉल जाचरिया को दिया गया है। केरल का सर्वोच्च साहित्य अवार्ड जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, इसका नाम एजुथाचन पुरस्कार है। दोस्तों कुछ और इंपोर्टेंट पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के द्वारा रविंद्र पुरस्कार और बंकिम अवार्ड दिया जाता है, वहीं अगर मध्य प्रदेश के द्वारा कबीर सम्मान दिया जाता है, गुजरात के द्वारा साहित्य गौरव पुरस्कार दिया जाता है और कर्नाटक सरकार के द्वारा पंपा अवार्ड दिया जाता है साहित्य के लिए, और इसके अलावा केरल का यह अवार्ड आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीएन कृष्ण का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों ये एक वायलिन वादक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको इनके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दें, इनका जन्म केरल में हुआ था 1928 में, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से भी नवाजा जा चुका है। मालाबार एक्सरसाइज का हाल ही में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों मालाबार का 2020 में यह 24वां संस्करण का आयोजन किया गया है। अब आपको मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दें। दोस्तों यह एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच शुरू की गई थी, फिर जो 1992 में की गई थी, इसमें जापान को 2015 में ऐड किया गया और अब हाल ही में यानी 2020 में मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया देश भी शामिल हो चुका है। यानी अब मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच होती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए है, और इसकी एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 से की गई थी, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की 1 से 10 नवंबर करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मुझसे कहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इसके अलावा ये आईडी भी है, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, इसके अलावा कोई भी सलाह लेनी हो उसके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, करंट अफेयर के मध्य प्रदेश के अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।